दोस्तों ये देखिए व्हाइट कलर की कार में पांच डकैत आते हैं भरपूर सामान से लेस ये डकैत इस कार वाले बंदे के साथ इसकी कार को भी ले जाते हैं। किस तरह से ये पांचों डकैत वारदात करते हैं आइए आपको वीडियो शुरू से दिखाता हूं। देखें एक व्हाइट कलर की ये टोयोटा करोला अल्टस गाड़ी जा रही थी कि पीछे से एक व्हाइट कार ने इसका पीछा किया और इसे आगे जाकर ओवरटेक किया। ये कार वाला बंदा जैसे ही देखता है कि डकैतों के पास सामान है तो ये कार वाला बहादुर बंदा अपनी कार को रिवर्स करता हुआ बड़ी स्पीड में पीछे आता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं बड़ी स्पीड में ये बंदा अपनी कार को पीछे लेकर आता है और यहाँ पर अपनी कार को खड़ी करता है और हाजिर दिमागी का मुजाहरा करता है। कार से उतरकर कार की चाबी निकालकर दूर झाड़ियों में फेंक देता है। आप देखें ये कार वाला डकैत जो आता है इस कार के अंदर पांच डकैत आते हैं, दो डकैत इस बंदे के पास आते हैं और एक डकैत वो चाबी उठाने के लिए झाड़ियों के पास जाता है। आप देखें दो डकैत इस बंदे को कार के अंदर बैठाते हैं और इस बंदे के साथ इसकी कार को ले जाते हैं। बिला आखिर इस बंदे को सादी टाउन पर दो घंटे बाद जाकर ये डकैत उतार देते हैं और इसकी कार ले जाते हैं। आपको बताऊं ये कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर जौहर कॉम्प्लेक्स के पास आज से तकरीबन चार महीने पहले 26 जुलाई 2024 को ये कार छीनी गई थी जो अब तक बरामद नहीं हो सकी है। वीडियो के एंड में आपको इस कार की नंबर और डिटेल भी शेयर की जाएगी। आप तमाम कराची वालों से गुजारिश है कि रास्ता चलते हुए बहुत ज्यादा होशियार रहें, बहुत ज्यादा मोहतात रहें। आप देख सकते हैं डकैत उस बंदे के साथ उसकी कार को भी ले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं, आसपास के लोग दूर से खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि डकैतों को पता है कराची वाले खाली हाथ हैं और इन डकैतों के पास सामान है। आप तमाम कराची वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर इस कार के बारे में कोई भी मालूम हो तो 15 पे कॉल करें या हमारे फेसबुक पे सीसीटीवी व्यूज पे हमें इनबॉक्स करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सीसीटीवी व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जजाकल्ला।